Hi students, I hope all of you are happy and healthy. Welcome to my YouTube channel. This is Hiren Tindale, Padmaj Academy, Navsari. आज मैं आपको 11th साइंस केमिस्ट्री सेम टू यूनिट 8 का जो हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन उसके बारे में समझाऊंगा। तो बधाई विद्यार्थी मित्रों, हमारा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। वी विल अंडरस्टैंड द मोस्ट रेस्टेड दिस चैप्टर इन अ मोस्ट सिंपल वे, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें वो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में इजीली समझाऊंगा। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक के साथ में अपने साथ रख सकते हो। अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय दिस वे। तो शुरू करते हैं हम नेम से। उसका नेम है, उसपे से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस तरह का रिएक्शन इसमें है। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इस वर्ड को हम अगर अलग करेंगे तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है वर्ड है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है देयर इज ऑलवेज रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां पे हमेशा रिडक्शन होगा। Chemistry is essentially a study of redox system. Chemistry किसकी study है? Redox system जो हो रहा है, जो oxidation हो रहा है, reduction हो रहा है, दोनों चीजें जब साथ में हो रही है उसी की study क्या है? Chemistry. तो कहाँ कहाँ पे इसका important है वो important इससे समझाएगा line में। The importance of these reactions is apparent from the fact that burning of different type of fuels for obtaining energy for domestic transport and other commercial purposes, जो हम burn करते हैं, ठीक है, energy के लिए domestic purpose हो या transport का purpose हो, commercial purpose हो, electrochemical process for extraction of highly reactive metals, हम reactive metals को हम निकालते हैं, metals non metals, manufacturing of chemical compounds like caustic soda, ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज, बैटरीज हम जो यूज करते हैं वो, एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स फॉल विद इन द परव्यू ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस, ये सब किसमें आता है? रेडॉक्स प्रोसेस में आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन इकोनॉमी है जो हम ट्राई कर रहे हैं, हमारे केमिस्ट और साइंटिस्ट सब ट्राई कर रहे हैं, तो यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन को हम फ्यूल में यूज करना चाहते हैं तो वो भी इसी में आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। एंड जो ओजोन लेयर हमारे ऊपर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है अर्थ में आने से, तो उसमें जो होल हो रहा है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करना है तो भी इट कैन बी द पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसी को हम समझेंगे। पहला है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पहले तो हम समझते हैं कि सिंपल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, सिंपल में हम समझे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी में भी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ मैग्नीशियम है तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है, सल्फर है तो उसमें क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब क्या हो गया? वो ऑक्सीडेशन। तो ये पहला कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन का। उसके बाद यह है मैग्नीशियम एंड सल्फर आर ऑक्सीडाइज ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है टू देम। मीथेन इज ऑक्सीडाइज, यहाँ पे मीथेन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया, हो गया ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओके, ये पहला पॉइंट है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इधर ऑक्सीजन इज एडेड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है।
removal of hydrogen can also be cited as an oxidation reaction. Hydrogen जो remove हो रहा है वो भी किसमें आएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आएगा. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का क्या हो जाता है? सल्फर हो जा रहा है. तो ये भी किसमें आएगा? हमारा अदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या बोला जाएगा? उसको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा. ओके आगे समझते हैं ऑक्सीडेशन को. यहाँ पे लिखा है अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम विथ फ्लोरीन क्लोरीन सल्फर एटीसी अकर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन. तो मतलब अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रही है तो भी उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे. ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रही है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे. जैसे मैग्नीशियम में फ्लोरीन ऐड हो रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन है, सल्फर है, उसे भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. आगे समझते हैं कंसेप्ट को. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कम हो रही है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिमूव हो रही है तो. पोटेशियम है, ठीक है, तो पोटेशियम फ्रॉम पोटेशियम फेरोसाइनाइड. पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, फेरोसाइनाइड में हमारा F 2 प्लस होता है फेरोसाइनाइड. बिफोर इट चेंजेस टू पोटेशियम फेरिक साइनाइड, फेरिक साइनाइड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे फेरोसाइनाइड टू फेरिक साइनाइड हो जाता है. To summarize, तो उसको हम summarize कैसे करेंगे? The term oxidation is defined as the addition of oxygen. कहा था oxygen add हो रहा है या oxygen मतलब electronegative element है. oxygen भी electronegative है तो या तो electronegative element add हो रही है to a substance, or removal of hydrogen, या तो hydrogen remove हो रहा है or electropositive element from the substance. ठीक है, तो oxygen add हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रही है, अदरवाइज हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अदरवाइज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रही है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन. ओके, तो उसके बाद रिडक्शन है. यहाँ पे मैंने समझा दिया, फेरस होता है तो Fe2 प्लस होता है, फेरिक का Fe3 प्लस रहता है, स्टेनस टीन जो होता है तो स्टेनस SN2 प्लस रहता है, स्टेनिक का SN प्लस रहेगा. रिडक्शन में इससे उल्टा हो जाएगा. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब रिडक्शन क्या है इसका? उल्टा रहेगा प्रोसीजर, अपोजिट प्रोसीजर रहेगी, कॉन्ट्रारी. तो उसमें क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगी फ्रॉम द सब्सटेंस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगी. तो ऑक्सीडेशन जो होता है हमारा, उसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है. तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऐड होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होती है. तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में इससे उल्टा आ जाता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है. मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगी, इलेक्ट्रो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस निकल जाएगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगी. ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, दोनों साथ में होते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा. चलो उसको समझ लेते हैं. यहाँ पे थोड़े पॉइंट दिए गए हैं. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड. ठीक है, ऑक्साइड है तो उससे मर्क्यूरी बन जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, क्लोरीन निकल जा रहा है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्रॉम द फेरिक क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड है तो इसे क्लोरीन निकल जाएगा. ठीक है, कम हो रहा है. एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो एल्केन है ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे, एल्केन एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरिक क्लोराइड, और मर्क्यूरी ऐड हो रहा है, मर्क्यूरिक मर्क्यूरी इज एडेड टू, एडिशन ऑफ मर्क्यूरी टू मर्क्यूरिक क्लोराइड। ओके, मर्क्यूरिक टू मर्क्यूरिक क्लोराइड। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेनस क्लोराइड टू अ स्टेनिक क्लोराइड, मैंने आगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टेनस क्लोराइड टू स्टेनिक क्लोराइड, ये हो रहा है, स्टेनिक क्लोराइड is also occurring because of the addition of electronegative element chlorine, ठीक है, क्लोरिन यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एलिमेंट्स टू क्लोरिन टू इट वॉज सून रियलाइज दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे होते हैं, ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली, एक ही साथ रहते हैं, तो इसलिए नाम हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो जो प्रॉब्लम है पार्ट वन है, समझते हैं हम प्रॉब्लम 8.1 ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन द रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के रूल के हिसाब से हम जाएंगे, तो ये इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ठीक है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो गया हमारा, और क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज और क्लोरीन इज रिड्यूस। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आयन है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिडक्शन हो गया हमारा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है रिडक्शन, और एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे सोडियम और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और दूसरा कुछ नहीं हो रहा है, तो दो एलिमेंट में क्या होगा, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा यहाँ पे ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे जीरो होता है इसका, और यहाँ पे प्लस वन रहेगा, इसका माइनस वन रहेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है अगर, तो वो ऑक्सीडेशन बोला जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, तो साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है इसलिए। तो एक और पॉइंट भी आ जा रहा है, जुड़ रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो बन रहा है उसके ऊपर से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम देख सकते हैं। रिएक्शन थ्री, यहाँ पे सोडियम इज ऑक्सीडाइज है, रिएक्शन थ्री चोजन हियर प्रॉम्प्ट्स अस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अनदर वे टू डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन, एक और भी टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उसको हम समझेंगे उसका रिएक्शन ठीक है, तो यहां से समझ लेते हैं उसको ट्रांसफर, जैसे यहाँ पे देखें सोडियम है, तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देके दो इलेक्ट्रॉन देके एन ए प्लस बन रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके कैटायन बन रहा है और ये एनायन बन रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे
ठीक है, और क्लोरीन क्या ले रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ रहा है एलिमेंट तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, सल्फर का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ओके, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हो गया रिडक्शन। ओके, सोडियम से प्लस हो गया, क्लोरीन से माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो समझा है वो क्या है, सजेस्टेड दैट द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लूज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली द हाफ रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे समझाया उसको, समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस हो जाएगा। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, एंड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। बस याद रखना है इसको। Justify that the reaction sodium and hydrogen, sodium hydroxide is a redox change. ये redox change है, उसको justify आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो कैटायन बन रहा है यहाँ पे, कैटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन है वो दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस। कंप्लीट रिएक्शन इज रेडॉक्स चेंज, दोनों साथ में हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसे बोलेंगे रेडॉक्स चेंज। उसके बाद का पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी कंपटीशन चलता है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कौन देगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक है हमारे पास, मेटालिक जिंक इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम डाल रहे हैं, तो इसको हम सीधे फिगर से ही समझते हैं। यहाँ पे समझाया गया है, जैसे यहाँ पे वो वाला रूल रिएक्टिविटी सीरीज का हमारी पीएससी मजिल जो रहता है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर, ठीक है, मर्क्यूरी सिल्वर एंड गोल्ड, पीएससी मजिल रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है ना, उसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल कैन, वो क्या कर सकते हैं, कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल
from its solution. ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो अलग रहती है और वो डिस्प्लेस कर सकती है लेस रिएक्टिव मेटल को. तो यहाँ पे जो है हमारा जिंक है, ये जेड एन का रॉड लिया है और सॉल्यूशन हमारा कॉपर नाइट्रेट का. ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और हमारे जिंक का रॉड हमने लिए. तो अब दो मेटल है हमारे पास. हमारे पास दो मेटल है, यहाँ पे एक तो जिंक और ये कॉपर, यहाँ पे कॉपर है आपका. ठीक है, तो यहाँ से दो जो से कौन रिएक्टिव ज्यादा है, तो जिंक हमारी ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर हमारा लेस रिएक्टिव. तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जिंक अंदर आ जाएगा, कॉपर जिंक नाइट्रेट का सोल्यूशन बनाएगा, कॉपर कहाँ पे डिपोजिट होगी, यहाँ पे डिपोजिट होगी. इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस, तो ये कॉपर नाइट्रेट जो हमारा था वो उसका कलर धीरे धीरे फेड हो रहा है, क्योंकि जिंक नाइट्रेट हो जाएगा और कॉपर यहाँ पे धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, फाइनली CO2+ इज डिपोजिटेड एज CU. CU यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जैसे यहाँ पे जिंक है तो ये जिंक मेटल यहाँ से रिड्यूस होगी, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक आयन बन जाएगा और इसमें कॉपर नाइट्रेट है तो इसमें जो कॉपर CU2+ होगा, 2+, ठीक है, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके CU बन जाएगा, इसमें कॉपर का कोटिंग हो जाएगा. यहाँ CU डिपोजिटेड और जिंक, जिंक पे क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगी. ठीक है, चलो उसी तरह से यहाँ पे कॉपर और सिल्वर की बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, दो मेटल है कॉपर एंड सिल्वर, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, और वो CO2+ बन जाएगी और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी सिल्वर, तो वो सिल्वर यहाँ पे हमें अलग मिलेगी. कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू CO2+ एंड सिल्वर इज रिड्यूस टू सिल्वर. सिल्वर आयन जो हमारा है ना, इक्विलिब्रियम ठीक है, ये हो गया मेटालिक कोबाल्ट एंड निकल है यहाँ पे, मेटालिक कोबाल्ट एंड निकल सल्फेट, उसमें समझ लेते हैं, जो कोबाल्ट एंड निकल है हमारा, तो कोबाल्ट हमारे मोर रिएक्टिव है तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और निकल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो निकल मेटल मिलेगी लास्ट में सॉलिड फॉर्म. चलो यहाँ पे जो है वो कॉपर डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, ये सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट का है हमारा, ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे क्या है, कॉपर है. हमें पता है कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा चलो क्या होगा, आगे जाके ब्लू कलर स्टार्ट डेवलपिंग, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, मतलब ब्लू कलर दिखेगा. इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर इंक्रीज, ज्यादा ब्लू हो जाएगा, मतलब ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा आपका और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिल्वर. कॉपर पे कोटिंग किसका रहेगा, सिल्वर का. सिल्वर डिपोजिटेड ऑन द रोड. रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. चलो तो उससे क्या पता चल रहा है हमें, रिएक्टिविटी सीरीज में हमें क्या पता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. ये सब क्या है, मेटालिक एक्टिविटी सीरीज है या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलेंगे.
चलो उसके बाद जो कंसेप्ट हम समझने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो समझेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या रहेगा, इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, चार्ज ऑन ईच ऑफ द एटम, नीचे चार्ज भी दिखाया गया है, जैसे हाइड्रोजन है तो जीरो है और H2O जो बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस वन हो जाएगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर आपका प्लस वन रहेगा और ऑक्सीजन का जीरो टू माइनस वन, तो ये बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, अब सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिए गए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन द कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो या ऑक्सीडेशन नंबर बोलो सेम जैसे हो जाते हैं। एलिमेंट इन द कंपाउंड एसर्टेन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. Electron ज्यादातर किसके पास होते हैं, electronegative element के पास। तो जो rule है oxidation state के वो देखेंगे। The rules for the calculation of oxidation number, oxidation number हमें calculate करना है तो किस तरह से हम calculate करेंगे, तो पहला rule क्या है उसमें, इन एलिमेंट्स इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, एलिमेंट्स कहा तो फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड स्टेट में, ईच एटम बेयर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर फ्री स्टेट में या अनकम्बाइंड है तो एलिमेंट जो होती है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ओजोन है, फॉस्फोरस एसिड है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा, पहला रूल है। सेकेंड रूल कहता है फॉर आयन कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम ऑक्सीडेशन नंबर इज, अगर आयन है आयन फॉर्म में एक ही एटम से आयन बना हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज, उसको जो चार्ज होगा ऑन द आयन। दस एन ए प्लस, अगर एन ए प्लस कैटायन है आयन हैज द ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मैग्नेशियम जी टू है तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक है, थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो माइनस वन है तो माइनस वन हो जाएगा, हमें जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आयन के लिए। चलो दूसरा रूल हम समझते हैं, तीसरा रूल कह रहा है हमारा क्या है, ज्यादातर क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इन मोस्ट कंपाउंड्स माइनस टू। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या रहता है, माइनस टू रहता है ज्यादातर, लेकिन पेरोक्साइड है अगर या सुपरऑक्साइड है, पेरोक्साइड या सुपरऑक्साइड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएगा। जैसे H2 पेरोक्साइड होगा तो क्या H2O2 अगर है, तो पेरोक्साइड में क्या होता है H2O2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारा माइनस वन, इसका माइनस वन रहेगा, इसका प्लस वन रहेगा। अगर सुपर ऑक्साइड से हमारे ऑक्सीडेशन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा आया, सुपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा आया, ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा आपका, हाफ रहेगा, इसका हम करेंगे प्लस वन, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ भी रहेगा एक का, तो दो का करेंगे तो वन हो जाएगा। ओके, उसी तरह से ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है,
या डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड. ऑक्सीजन इज असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर +2 and +1. यहाँ पे फ्लोरीन है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +2, और यहाँ पे +1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे -1 होगा, 2 रहेगा इससे, पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 रहेगा. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 रहता है. ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्राइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन क्या होता है अगर ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल्स है, बाउंडेड विद मेटल्स इन अ बाइनरी कंपाउंड, कंपाउंड इज कंटेनिंग टू एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिथियम के साथ है, सोडियम के साथ है, मतलब जो अल्कलाई मेटल होती है, अल्कलाई अर्थ मेटल जो होती है, तो उसके साथ अगर हम हाइड्राइड बना रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. ये +1, यहाँ पे -1, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. चलो उसी तरह से हम लोगों ने जो समझाया है वो चलो आगे का पॉइंट हम समझ रहे हैं. इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर, जो फ्लोरीन होता है उसका नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहेगा. अदर जो हैलोजन की बात करें, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल इन ऑक्सो एसिड या ऑक्सो एनायन, हैव अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो उनका नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, पॉजिटिव +1 है. ऑक्सीडेशन जब नंबर हम निकालते हैं तो एलिमेंट का जिसका ढूंढना है उसको एक्स कर देंगे. यहाँ पे जैसे हाइपोक्लोरस एसिड है, ठीक है, HOCl है, तो इसका हमें पता है +1 रहता है ज्यादा, इसका -2 रहता है, इसका हमें ढूंढना है. तो +1 +-2, ठीक है, प्लस एक्स कर देंगे, सीएल का इज इक्वल टू 0, कोई भी चार्ज नहीं इसलिए 0 कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा -1 + x इज इक्वल टू 0 रहेगा, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं, जो भी जिसका ढूंढना है उसको x लिखेंगे, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. The algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in the compound must be 0. So sum is equal to क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. In polyatomic ion, अगर polyatomic ion की बात कर रहे हैं, the algebraic sum of the all the oxidation number of the atom of ion must equal to the charge on the ion. अब polyatomic ion है तो उसपे जो charge रहेगा उसका वो sum रहेगा. ठीक है, जैसे कार्बोनेट आयन की हम बात कर रहे हैं, CO3 2-, तो इसका जो इज इक्वल टू रहेगा मस्ट बी इक्वल टू -2 रहेगा. हमने 0 लिखा है तो CO3 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हमें -2 कर देंगे. A term that is often used interchangeably with the oxidation number is the oxidation state. Oxidation number भी बोलते हैं, oxidation state भी बोलते हैं. Thus in CO2, the oxidation state of carbon is +4. That is also its oxidation number. Oxidation number भी हम बोल सकते हैं, oxidation state भी बोल सकते हैं. चलो यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है, सोडियम मैग्नेशियम, और ग्रुप है 13, 14, 17 तक कंपाउंड बनाए हुए हैं.
और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑफ द ग्रुप एलिमेंट, प्लस फर्स्ट में कौन सा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस वन होता है, प्लस टू, प्लस थ्री, और हाईएस्ट प्लस फोर हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस फाइव, प्लस सिक्स और प्लस सेवन। यहाँ तो प्रॉब्लम में यहाँ से 13 से क्या करना है, 13 माइनस 10 कर देना है, तो आपको ये नंबर मिलेगा। चलो उसके बाद का जो पॉइंट है हमारा वो है अल्फ्रेड स्टॉक, जो जर्मन केमिस्ट थे, इस पॉपुलर नोन है स्टॉक नोटेशन, उसने निकाला स्टॉक नोटेशन। द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग रोमन न्यूमरल representing the oxidation number in parenthesis after the symbol of the metal in a molecular formula. Molecular formula में ही आपको oxidation state दिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे example दिए गए, aurous chloride या auric chloride कर देंगे। aurous chloride में क्या हो जाएगा आपका, one oxidation state है, auric में three है, तो stannous chloride है एंड स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनस में क्या रहेगा, टू रहेगा, और स्टेनिक क्लोराइड में क्या रहेगा, फोर रहेगा। तो उसे स्टॉक नोटेशन बोलते हैं, जो ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस होता है, उसमें रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का लिख देते हैं। स्टॉक नोटेशन यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, और ऑक्सीडेशन स्टेट एक मैंने निकाला है, वो भी आपको समझा देता हूँ साथ। जैसे यहाँ पे हमें किसका निकालना है, सिल्वर का, गोल्ड का है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं एच ए यू सी एल फोर, एच का प्लस वन, इसका प्लस वन रहता है, इसका माइनस वन रहेगा, प्लस वन एक्स, और यहाँ पे इसका माइनस वन इक्वल टू जीरो, कोई भी चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज नहीं है, तो हम इसे जीरो लिखेंगे। प्लस वन एक्स, ये फोर टाइम है क्लोरीन, तो फोर टाइम करना पड़ेगा हमें, इसको जीरो, अल्टीमेटली क्या मिलेगा, थ्री। तो यहाँ पे जो गोल्ड है, ठीक है, तो उसका जो हमें मिल रहा है ऑरस क्लोराइड, और एक क्लोराइड, ठीक है, थ्री है तो और एक क्लोराइड हो जाएगा, तो जो गोल्ड है उसका मिल रहा है हमें थ्री। तो उसी तरह सबके निकाले हुए हैं यहाँ पे, फेरस का टू है, फेरिक थ्री, कॉपर का वन टू, मैंगनीज टू एंड फोर। चलो ऑक्सीडेशन को अभी समझेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, उसे बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इंक्रीज करेगा किसी का, तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो खुद दे रहा है मतलब। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट, रिएजेंट विच लोअर्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है, अगेन सोचता है, रिएजेंट इज कॉल्ड, रिड्यूसिंग एजेंट को बोलेंगे रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोलेंगे ऑक्सीडेंट, ठीक है। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट बोलते हैं, और ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। चेंजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। चलो उसको थोड़ा एक प्रॉब्लम से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जस्टिफाई द रिएक्शन, यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं हमारे रिएक्शन को, CO2 O CO2S है, कॉपर हो रहा है, तो इसको हम देखेंगे। तो रिएक्शन आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, इसका ऑक्सीडेशन विच एक्स एज एन ऑक्सीडेंट एंड एक्स एज रिडक्टेंट,
जो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमारा रिडक्टेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो हमारा ऑक्सीडेंट होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, इस तरह से याद रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए हैं, कॉपर के प्लस वन है, वहां से जीरो हो जाता है कॉपर का, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो ये रिडक्शन हो गया कॉपर का, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो सल्फर की बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू है, उससे क्या हो रहा है प्लस फोर हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन हो गया, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो रिडक्शन हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिडक्टेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे कॉपर इज रिड्यूस, कॉपर रिड्यूस हो रहा है प्लस वन टू जीरो, एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम माइनस टू टू प्लस फोर। तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है तो मतलब कॉपर क्या हो गया हमारा, रिड्यूस हो रहा है तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेंट हो गया। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब रिडक्टेंट। चलो देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे CU2 प्लस, तो कॉपर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेंट हो गया, और सल्फर हमारा क्या हो गया, रिडक्टेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्टेंट हो जाएगा, उसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, एंड आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इसको मैं पार्ट टू में एक्सप्लेन करूंगा आपको। आई होप यू हैव एंजॉयड माय टीचिंग, एंड subscribe my channel, press the bell icon, so you will get the notification when I will upload part 2 in a near future, and share this video with your friends, share it, subscribe it, like it, and if you feel to write a positive comment you can write too. Have a nice day students, thanks for watching.